कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने निगम में घोटाले के आरोप लगाए हैं। अब इस पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार घोटाला की जांच करवा रही है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी साफ किया है कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुए काम की भी जांच कराएगी। उन्होंने कहा कि जितने भी काम हुए हैं उनकी पेमेंट को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उस पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। निगम का 200 करोड़ को काम नहीं हुआ, एक जिस बात की विधायक जी कह रहे हैं। मेरे तो PWD&R से, इरीगेशन से, दूसरे में एक मोजगा में या HSP भी थे। एक तो सबसे बड़ा है कि मेरे यहाँ 200 करोड़ को काम नहीं हुआ, जिस बात की विधायक जी कहते हैं। आप मुझे एक एक विधानसभा बताएं किस किस विधानसभा में काम हुआ जिसकी वो बात करते हैं। वार्ड नंबर 38 में 10 करोड़ 20 करोड़ का टोटल काम हुआ है बड़े वार्डों में। वो सीधे सीधे आरोप ये है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ जब काम ही वार्ड नंबर 38 में इतना हुआ, बताया ना आप कहाँ है। वो मांग नीरज शर्मा की ये है कि जो गाड़ियाँ कुछ बरामद की कि SEBI की तरफ से, और 4 गाड़ियाँ अभी भी बरामद करनी है, सरकार उसकी जांच नहीं करा रही है। दूसरा, मंत्री पद की शपथ लेने को लेकर एक मंत्री पर आरोप ये है कि टिकट ठेकेदार ने कराई थी उसमें जाने के लिए। लोग, मैं आपके माध्यम से पहले हूँ, मैं पहले ही चंडीगढ़ में एक दिन पहले था। शाम को मुख्यमंत्री का भोजन था, उससे सभी विधायक थे। मैं उस दिन किसी के साथ में अपनी गाड़ी गया, एक ये लोग उनके हैं जिनकी परंपराएं रही हैं, वो परंपरा के लोग करते हैं। मैं पहले ही चंडीगढ़ मौजूद था, ना मेरे घर का गया ना मेरे परिवार गया, मेरे अपने लोग से गए, एक। दूसरा, जिस ठेकेदार ने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसे जेल में डालें, उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य करें। और गाड़ी है उन्हें जाके पूछें, गाड़ी मूल शर्मा की उसकी थी, जिसने करा है भुगत है। पर जो लोग कहते हैं मैं जाने अपनी सीटें, सरकार करेगी। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं रिंकू शर्मा। रिंकू, निगम पर काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 184 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो सामने आया है। तो पहले तो आप दर्शकों को ये साफ कर दीजिए कि ये जो 184 करोड़ का आरोप है वो सिर्फ बल्लभगढ़ पर है या फिर और भी जगह है। जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम में हुए घोटाले को लेकर आज विधायक नीरज शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि 200 करोड़ का जो घोटाला था उसमें कहीं ना कहीं 84 करोड़ का घोटाला, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का जो विधानसभा लगती है उसमें ये घोटाला बताया गया है। जी रिंकू, कैबिनेट के मंत्री ये भी कह रहे हैं कि 184 करोड़ रुपए का जो है वो काम ही नहीं हुआ है, तो आखिर इन आरोपों का आधार क्या है। बिल्कुल, देखिए जब लगातार आरोप पे आरोप लगते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को भी ये आरोप लगाते हुए बताया गया है कि जितनी भी सड़कें फरीदाबाद के अंदर बनी है वो कहीं ना कहीं घोटाले के साथ साथ बनी है। जहां पर 30 किलोमीटर की सड़क बननी थी तो वहां पर कहीं ना कहीं 40 किलोमीटर की सड़क बना दी गई है। ऐसे में जब सड़क लंबी बनेगी तो कहीं ना कहीं घोटाला सामने आता हुआ उजागर होगा। बिल्कुल रिंकू, अब मूलचंद शर्मा कह रहे हैं कि जांच कांग्रेस के दौर का भी होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब समझा जा सकता है? क्या सरकार के पास इसके खिलाफ कोई सबूत है? बिल्कुल, देखिए अभी जब कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपना जवाब है वो जारी किया तो इसके बाद बताया गया है कि उनके पास के जब कोई भी काम होता था तो उनके बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आगे पीछे की जितनी भी उनकी प्रतिनिधियां वो CM फ्लाइंग को दे दी गई है, और ऐसे में जितनी भी जो संगठित टीम है उनको दे दी गई है, उनके कागजात जो है वो उनसे मांग लिए गए हैं। जी रिंकू, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।